बताया था ना कि नाइट में मैं एक नेचुरल डाई बना के और अपने बालों में लगाने वाली हूँ, तो डाई तो मेरी बन गई थी और अभी मैंने नाइट में ही लगाया था मतलब, और अभी मैं आई हूँ नहा के, अपने बालों को मैंने धो लिया। तो आप मेरे बाल देखिए, अभी ड्राई नहीं हुए, मेरे बाल हैं गीले लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आया मेरे बालों में, ये देखिए है ना। और आप इसे एक बार ज़रूर लगाना, एक बार नहीं मतलब इसी को लगाया करो, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी अच्छी हेयर पैक में आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये है नेचुरल डाई, आप कौन भाग रहे हो, लेकिन आपने आज मैं आपको दिखा के रहूँगी, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। नहीं ये छुप रहे, ये देखिए छुप रहे, फिर बोलते कि मुझे लेते नहीं व्लॉग में और आप छुप रहे बनियान में है ना, इसलिए छुप रहे हैं ना। चलो कपड़े पहन के होता है ना, मैं चलती हूँ। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा, विशेष न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है, हेलो बोल लो। और विशेष सुबह उठ के जाता है मॉर्निंग वॉक पे, कितने बजे जाते हो? 5:15 डेली जाता है और उसके बाद आके सो जाता है। मम्मी को बोलता हूँ जाया करो, पर मम्मी जाती नहीं है। हाँ मैं इतना लेट सोती हूँ तो मेरी मॉर्निंग में आँखें नहीं खुलती, तो इसलिए सही कोई बात नहीं। तो कम फोन चलाया करो थोड़ा, मैं नहीं चलाया करूँगा बेटा, तुम कर दिया करो सारे काम, वो मेरी हेल्प करता है छोटे वो विश्वास, पता है लाइट में लगा रहा मेरे पास 12:30-1 बज गया था हम लोग, वो ये कुछ नहीं करता, ये कुछ भी हेल्प नहीं करता कुछ भी। कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आपको मेरी तरफ से राम राम और सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विश्वास ने इनकी जो सीन थे ना, वो कट किए थे ना, उससे एक आइडिया तो लगाए मुझे आप लोगों के कमेंट्स से कि मेरे व्लॉग में अब मुझसे ज़्यादा प्यार इनको थे। तो आइए दोस्तों अब खाते हैं खाना। और आज मैंने क्या बनाया है, आज मैंने बनाई है खट्टी मीठी आमे की सब्जी, क्योंकि फिर आमे का सीजन चला जाएगा तो एक दो बार और बना के खा लेते हैं। ये सब्जी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। विशेष आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई डिश बनने वाली है, वो भी मेरे विशु के हाथों से, वाओ क्या बात है। लेकिन आपको खाने को नहीं मिलेगा, मेरे को खाना भी नहीं है बेटा, दिखाऊंगा देखो। हाँ मेरे को खाना भी नहीं है, भाई साहब ने खुद ही प्याज काटी है और छोटे छोटे कट कट करके इसके अंदर डाल दिए, और ऐसे काम ना आने भी चाहिए करने। नहीं नहीं खुद ने काटी, मुझसे पूछ रहा था कैसे बनाते हैं। अच्छा तुमसे पूछ रहे थे, वो तो मुझे पता है, वैसे तुम तो बना लोगे और बना भी लेते हो। हाँ लेकिन विशेष को नहीं आता, एक चाय आती है उसमें भी चाय विशेष के लिए हम बोलेंगे ना, विशेष एक कप चाय मेरे को पीनी है तो एक कप में से आधी चाय मिलेगी बस, आधा कप, लेकिन चाय बहुत ज़बरदस्त बनाता है, बहुत ही अच्छी कड़क चाय। ऐसी चाय का क्या फायदा जो इतनी 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 करते चाय को काढ़ा है नहीं काढ़ा ये हो इसके जो ये बनाता है ना, लेकिन सच में बनाता बड़ी अच्छी चाय। विशु को बिल्कुल भी नहीं आता किस तरीके से ऑमलेट बनाई जाती है, इसके पापा ऐसे सिखा रहे कि बेटा कल को तुम कहीं बाहर निकल के गए अपने स्टडी के लिए तो कम से कम कुछ बना के तो खा लोगे। तो विशेष ने बोला नहीं मैं कुछ बना के दिखाऊंगा, मैं अपनी अम्मा को अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो और मुझे लग रही है भूख, मम्मी को नहीं अम्मा को, अम्मा को। अच्छा मम्मी को नहीं, मम्मी बना के नहीं देगी, मम्मी वहाँ पे उसे बन जाएगी। तो कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा तोड़ना तो आता ही है विशेष को। बना लिया विशेष, विशेष मैंने बना के दिया ऐसे। अच्छा आपने सिखा दिया, लेकिन है ना आज तो सिखा ही दिया आपने, पापा ने सिखाया मैंने बना दिया विशेष को। हाँ कर देंगे, ओहो क्या बात है, पापा खुद खाएंगे उसको।
हाँ मैं कह रहा हूँ कि पापा कुत्ते नहीं दिला रहे, पापा ने मुझे वादा किया था कुत्ते लाऊंगा, पापा बेटा पापा क्यों नहीं दिला रहे पता है? पापा को पता नहीं क्या लग रहा है कि हजारों का रुपए लग जाए, नहीं पापा का मेन वो कारण है पैसे, पापा ने लग जाए मुश्किल से हजार दो हजार रुपए महीने लग जाएंगे एक्स्ट्रा, क्या कुछ हो जाएगा बेटा बात में जानवर की जिंदगी आ जाएगी, जिंदगी मिल जाएगी जानवर को हमारे घर में आके, बताओ ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले दिनचर्या ठीक होनी चाहिए खुद की, जब उसके तब उसकी केयर कर पाएगा। हाँ सही बात बोल रहे पापा, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, हम तो ध्यान रख नहीं पाएंगे। हम रखेंगे ना, नहीं नहीं हम रखेंगे ध्यान। अरे पापा आपने आज से हमने देखा, हमने बहुत कुत्ते देखे जिंदगी में, अच्छा पापा सुनो हम भी देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, समझदार ये पब्लिक समझदार के लिए सारा कॉपी एक बेजुबान जानवर को जिंदगी मिल जाएगी, हमारे घर में आके फैमिली मिल जाएगी उसे। नहीं ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है, कौन करेगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कुत्ते की लैटरिंग साफ करूँ, उठता तो 12 बजे, तब तक पड़े रहेंगे क्या? तो जल्दी उठूंगा क्या आज से 12 बजे उठाऊ? कल रात में 3 बजे आया था पानी बंद कर दिया ना, रात भर के सोया, पापा को मैं सोने दिया, रेस्ट करेंगे बेटा। ये तो बड़ा है बेटा, ये तो तुमने पानी आया था और ये भरने चला गया 3 बजे। वो कारण कारण क्या था? पहली बार भरने गया रात में लाइफ में पहली बार। एक्चुअली कारण क्या था? ये कारण नहीं, 2:30 बजे तक मोबाइल चला, 2:30 बजे तक मोबाइल चला रहा है, दादी के पास हो रहा था, दादी ने इसको देख लिया मोबाइल चला रहा है, तो उसको कुछ बोला इधर की तो सोता नहीं है, तो पानी आया तो उसने कहा ऐसा टंकी देख के पहले चेक करके पानी भरा कि नहीं, तो ऊपर गया सारी टंकी देख के आया, तब चेक करा, तब दादी ने भेजा इसको बांधने लगा, कह रहे उसे उड़ाएंगे है क्या, लगाता क्या वो उड़ानी और मौसम से लगा दिए 20-25 बैलून, फिर जाके धीरे धीरे उड़ा वो, फिर और लगा दिया उसने, फिर धीरे धीरे उड़ गया, और खुद साथ में नहीं था, साथ में था अच्छा। वीडियो में कर रहा था। तो दोस्तों मैं एक नभा टाइम्स में वेडनेसडे का, तो उसका एक बड़ा अच्छा लेख आया था, तो लेख मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस चीज़ को। अपनी बीमारी में भी परिवार का ख्याल रखती है महिलाएं, लेकिन क्या जरूरी है बीमारी में भी माँ ही किचन में खाना पकाए? फैमिली की महिलाएं जो काम करती होंगी, जेंट्स घर का काम कोई नहीं करता होगा, ठीक है ना, घर पर अगर बीमार है तो खाना बना लें, तो महिलाएं लगी रहती हैं बेचारी और वही करती रहती हैं, तो इस विषय पर लिखा हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेख। तो इससे ये वो होता है मुझे प्रतीत कि हमें भी जो है अगर बीमार होती है तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए ना, मैं भी उनमें से, मैं कोई हेल्प नहीं करता है किसी, बताऊं तो ये बेचारी बीमार आज भी बीमार है, खुद ही लगी हुई है सुबह से, खाना बना ये कर वो कर ये कर, कोई भी काम एक्स वाइज वही उसको करना, और लेकिन मुझे लगता है कि वाकई सच्चाई है कि हमें भी थोड़ी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सके वो हमें करनी चाहिए। तो बस यही है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ आपके साथ, कि मैं भी इसके साथ उसकी कोई हेल्प नहीं करता, खुद ही करती है, लेकिन इस लेख के पढ़ने के अनुसार मुझे लगा कि वाकई थोड़ी बहुत हेल्प हमें करनी चाहिए। तो चलो इसी बात पे आज का खाना आप बना दो। हाँ ठीक है, अब ऐसा करो इसी बात पे आज का खाना आप बना दो, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं करी सच में। देखो आज मेरा दिल कर रहा है कि ना मैं लेटी रहूँ आराम से, आज जो भी मैंने काम किया है सारा मजबूरी में किया है, और अभी भी मुझे अंदर से लग रहा है कि तबीयत खराब होगी दोबारा से, और अब मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई इनका लेख देख के, उन्होंने जो बोला मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। तो ऐसा है कि चलो काम आप कर लो थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको लहसुन प्याज का कोई काम है या कुछ करना है, देखो इतना कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर में बैठे खाली बैठे क्या होगा, हेल्प हो जाएगी, कोई खीरे काटने हैं, खीरे छीलने हैं, या आलू छीलने हैं, या टमाटर प्याज काटना है तो वो कर सकते हैं, बाकी आप छौंक खुद लगा देना और उसको काट के आप अपना या जितनी ग्रेवी रखनी है या कैसे भी बनाने आप अपने तरीके से रख लेना, इतना कर सकता हूँ यार, मेरे को बनाना नहीं आता, लेकिन मैं जो वैसे काम है थोड़े उससे ताल्लुक वह काम कर सकता हूँ। ऐसे समय पे लगता है ना कि हस्बैंड को बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, कल को तबीयत खराब हो जाए कम से कम बीमारी की हालत में तो किचन में ना लगना पड़े, बना के खिला दें सबको। साथ में मैं रोटियां भी बना रही हूँ, और मैंने की थी राधा से बात अपनी बहन जी से, उसका है बर्थडे तो इसलिए उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, सब लोग बात कर रहे थे कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, कहीं फिर बाद में भूल जाऊँ क्योंकि दिन में काम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए। और आज मैंने मंगाई है ये देखिए 5 किलो प्याज, और साथ में है 2 से 2.5 किलो आलू, और ये दो चीज़ें ऐसी होती है जिनकी
हर समय किचन में ज़रूरत पड़ती है और होनी भी चाहिए। और अभी मैंने टैबलेट ली नहीं है क्योंकि टैबलेट घर में है ही नहीं, अभी हस्बैंड गए हैं बाहर तो वो लेके आएंगे तब मैं टैबलेट लूँगी। और इनको मैं रख देती हूँ उठा के अंदर दोनों को, अभी मम्मी से मंगाई थी तो इन्हें मैं टोकरी में रख देती हूँ। और फिर खा के बस मैं तो जाऊंगी आराम से लेट, और कल पता नहीं नेचुरल पूजा चैनल पे वीडियो आएगी नहीं आएगी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा आएगी। तो इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे, आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ। ओके, राम राम जी, बाय बाय।